मोदी हैं, उनके बारे में क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, ऊपर वो ही रहे अपने यहाँ फरीदाबाद से। हम उन्हें महेंद्र प्रताप जी को चाहते हैं, नहीं अपना महेंद्र प्रताप जी को वोट देंगे। और अच्छे नेता हैं, पुराने नेता हैं अपने। हमारे कृष्ण पाल जी वैसे दो बार रह चुके हैं एमपी यहाँ पे, पर ना इस तरह के काम नहीं हो पाए हमारे यहाँ पे, जो हम मतलब कहते हैं ना कि डिजर्व करते हैं लोग, जैसे काम की उम्मीद रखते हैं, वो काम नहीं हो पाए हमारे यहाँ पे। हाँ सही है, भाजपा कोई बेकार ना हो, खराब भी ना हो, बढ़िया चला रही है, कोई सरकार में कोई कमी ना, बढ़िया है मोदी जी। तो इस बार गांव के लोगों का क्या मत है, कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को देंगे या किसी और तीसरी पार्टी को देंगे? हम तो अपनी कह सकते हैं, जनता के तीनों कह सकते हैं, क्योंकि हम तो भाजपा ही है जी। बदलाव चाहता है जी, कांग्रेस चाहते हैं इस टाइम जी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जी, अपने तन से और मन से धन से जी, तो हम चौधरी महेंद्र प्रताप जी को चाहते हैं जी। अच्छा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे? राहुल ही चाहेंगे जी हम तो जी, जब कांग्रेस बनाएंगे तो राहुल ही रहेगा जी, हमें कौन रहेगा जी। बीजेपी अच्छी है, हिंदुओं के लिए अच्छी है, देश के लिए अच्छी है, और पूछो मोदी जी ने ऐसे क्या काम किए हैं जो मोदी जी सभी 100 काम कर दिए, सारे अच्छे कर दिए, एक भी खराब ना करे। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, हम जानने के लिए आए हैं क्या चाहता है हरियाणा, क्या चाहता है गदपुरी और यहाँ के युवा लोग। इनसे जानना चाहेंगे कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये प्रत्याशी को देखेंगे या पार्टी को तवज्जो देते हुए वोट करेंगे। अब क्या नाम भैया आपका? भाई मेरा नाम योगेश है, योगेश तंवर, मैं गदपुरी का हूँ, और हम अपने महेंद्र प्रताप जी को वोट देंगे 25 को, और भारी मतों से अपनी गदपुरी से हम उन्हें विजय बनाएंगे। अच्छा हमारा सवाल था कि प्रत्याशी को वोट करेंगे या पार्टी को? प्रत्याशी को और पार्टी को, अच्छी पार्टी हमारी, हम स्टार्टिंग से हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, ऊपर वो ही रहे अपने यहाँ फरीदाबाद से, हम उन्हें महेंद्र प्रताप जी को चाहते हैं। अच्छा आप चाहते हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने? हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बने। लेकिन यहाँ से एक सीट का घाटा हुआ, मान लो कि तराजू पे बात आती है तो एक सीट से अगर सरकार रह गई तो फिर क्या होगा? अब ये तो जनता के ऊपर है, अभी तो हम अपने महेंद्र प्रताप जी को ही चाहते हैं यहाँ। अच्छा कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ पर दो बार से लगातार सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे, उनके बारे में क्या कहना है? अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है, इसलिए अभी हम चेंज करना चाहते हैं, जनता तो चेंज करती है, अब करेंगे चेंज, तो कुछ कर ही नहीं रहे तो इसलिए हमें चेंज करने हैं। इनका कहना है कि 10 साल से जो सांसद हैं उन्होंने इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए चेंज चाहते हैं। भैया आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम है जी। प्रदीप जी आपका क्या कहना है लोकसभा चुनाव? नहीं अपना महेंद्र प्रताप जी को वोट देंगे, और अच्छे नेता हैं, पुराने नेता हैं अपने। हमारे कृष्ण पाल जी वैसे दो बार रह चुके हैं एमपी यहाँ पे, पर ना इस तरह के काम नहीं हो पाए हमारे यहाँ पे, जो हम मतलब कहते हैं ना कि डिजर्व करते हैं लोग, जैसे काम की उम्मीद रखते हैं, वो काम नहीं हो पाए हमारे यहाँ पे, मतलब मिलना भी नहीं है किसी से, गाँव से किसी से बंदे से किसी ना मिलना ना जुलना कुछ नहीं है, बस बन गए एमपी ठीक है बन गए, और कुछ मतलब नहीं है। बाकी हम कहते हैं मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी के नीचे जो बंदे हैं वो काम बिगाड़ रहे हैं उनका, बाकी मोदी जी सही हैं, पर हमारे पास महेंद्र प्रताप जी पुराने बंदे हैं, काम में किया भी हुआ है पहले, और नेता भी अच्छे हैं, सबसे मिलना जुलना सबके साथ बैठना है। अच्छा कांग्रेस पार्टी को मौका मिला था 2005 से लेकर के 2014 तक उनकी सरकार रही है, तब उन्होंने अब जो 6000 रुपये की जो वृद्धावस्था या सम्मान पेंशन की घोषणा करेंगे 6000 कर देंगे, तो उस समय क्यों नहीं किए उन्होंने? सर देखो वो उनका अलग पता नहीं जो कर रहा होगा, पर वो जो वो कर रहे हैं हुड्डा जी हमारे साहब, तो ठीक है वो मतलब होना चाहिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए ना, होना चाहिए थोड़ा सा सही, जरूरी भी है। अभी कल ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलावलपुर गांव जनौली गांव में एक जनसभा में कहा था कि इस समय हरियाणा सरकार, जब 2014 में अपनी सरकार छोड़कर के गए थे तब करीब 70,000 करोड़ रुपए कर्ज था हरियाणा सरकार के ऊपर, अब जो बढ़कर के 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में अब ये जो 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, और जो पेंशन की जो बात है, बेरोजगारी भत्ता की बात है, वो पैसा कहाँ से आएगा, कर्ज ही तो बढ़ेगा। बट सर जब इतना कर्ज बढ़ेगा तो देखा जाएगा थोड़ा बहुत भी, और भी ऊपर कोई दिक्कत थोड़ी है, जब इतना इन्होंने कर दिया, जब 70,000-70 लाख करोड़ आपसे बता रहे हो, उसे 2 लाख करोड़ के पार कर गया, तो थोड़ा बहुत देख लेंगे, पर पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए, इतना वो नहीं है, पब्लिक के पास होना चाहिए अपना, तो बदलाव चाहते हैं। लेकिन सेंटर में जो प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल, उनके जो कार्यकर्ता जो नेता हैं, एमपी हैं, हो गया एमएलए हो गया, वो कोई काम का नेता नहीं है हमारे यहाँ पे बिरला क्षेत्र में, एमपी भी बेकार है और
एमएलए भी बेकार है। जब तक एमएलए बना है क्या बोलते हैं नैनपाल रावत, एक बार भी मतलब गांव में जो जानकार होगा उसके पास तो आया, किसी मतलब नेचुरल बंदे से किसी ने नहीं मिला वो बंदा आज तक भी, ना किसी को नाम ना किसी से मिलना जुलना किसी को मतलब नहीं है उसका। ऐसे सेम कृष्णपाल गुर्जर जी का है, सेम कोई नहीं है। एक माता जी यहाँ पर हैं, उनके विचार हम जानेंगे कि महिलाओं में चर्चा होती होंगी महिला सुरक्षा को लेकर के या सरकार के बारे में कभी चर्चा होती है, तो क्या विचार है वर्तमान सरकार भाजपा के बारे में? हाँ सही है, भाजपा कोई बेकार ना हो, खराब भी ना है, पर बढ़िया चला रही है, कोई सरकार में कोई कमी ना, बढ़िया है मोदी जी। तो इस बार गांव के लोगों का क्या मत है, कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को देंगे या किसी और तीसरी पार्टी को देंगे? हम तो अब नहीं कह सकते, जनता के कह सकते, क्योंकि हम तो भाजपा ही देंगे। क्या कुछ ऐसे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? बढ़िया कर रही है वो, तो ऐसा है कि उसने क्या कमी छोड़ी, समाज के नहीं अभी, जनता के नहीं अभी, सब चीज की सुविधा मोदी की ओर से। मैं दूंगी बीजेपी। यहाँ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे, यहाँ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं इनके क्या विचार हैं? भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी रवि तवर। रवि जी आपका क्या विचार है, युवा वर्ग क्या चाहता है, किसकी सरकार चाहता है केंद्र में? आपका जी बदलाव चाहता है जी, कांग्रेस चाहते हैं इस टाइम जी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जी, अपने तन से और मन से धन से जी, तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को चाहते हैं जी हम। अच्छा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे? राहुल ही चाहेंगे जी हम तो जी, जब कांग्रेस बनाएंगे तो राहुल ही रहेगा जी, हमें कौन रहेगा आज? नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना, कैसे प्रधानमंत्री? देखो जी प्रधानमंत्री तो हमें कोई होता है ना जी, तो प्रधानमंत्री का तो हम करेंगे क्या जी, हमारा देश को तो प्रधानमंत्री ही चलाएंगे ना। हाँ जी देश को प्रधानमंत्री, तो राहुल भी तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भी चलाएंगे ना जी, वाजी तो वो भी अपने तरीका चलाएंगे। कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीते? हाँ जी बदलाव चाहते हैं जी फिलहाल कतई जी, क्योंकि जी हम तो जी महेंद्र प्रताप चाहते हैं जी, होते जी अपने होते और 10 साल है जी, होते 10 साल में कृष्ण पाल एक बार आवे जी, हाँ बस वोट मांगने के लिए, उसके बाद कुछ ना आता। ये जी कांग्रेस की बनाई हुई सरकार रोड है जो फिलहाल बने पड़े हैं, 10 साल में जी कोई भी काम ना हो हमारे गांव में, एक काम कोई भी हो तो कोई भी गिनवा दे जी हमारे। और युवा हैं और लोग हैं उनसे जानेंगे, वोट तो बन गई होगी ना आपकी, वोट बन गई? हाँ जी वोट बन गई। पहले कोई विधायक की या एमपी की कोई वोट दिया आपने? नहीं पहली बार वोट देंगे हम, पहली बार वोट। तो क्या चीज़ आपके जहन में होगी, देश की तरक्की विकास या? देश का विकास भी और अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करने का होगा इस सरकार का, कांग्रेस आ रही है इस बार, महेंद्र प्रताप 100%। मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी के बारे में क्या ही कहना, उन्होंने कुछ किया तो है ना, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया खाली, कोई किसी को रोजगार नहीं दिया गजपुरी में, तो कोई एक आध घर में कोई भी नहीं सरकारी नौकरी नहीं मिली, जो मिली है कांग्रेस के राज की मिली है और अब फिर कांग्रेस के राज में ही मिलेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में दूधौला में एकमात्र यूनिवर्सिटी है स्किल यूनिवर्सिटी, जो पूरे देश में एकमात्र है, तो उसके बारे में क्या कहना है, स्किलिंग के लिए युवाओं को रोजगार देने के लिए ही तो बनाई है? उसमें हमारे गाँव का तो एक बच्चा भी पढ़ा नहीं रही है वो, अब बताओ आप क्या क्या हमारे एरिया में, तो उसका फायदा किसी बच्चे में योग्यता नहीं होगी, वहाँ नहीं जाएगा तो घर पे थोड़ी पढ़ाने के लिए आएगा, तो फिर इस योग्यता क्यों नहीं है बच्चों में, क्यों नहीं है? सरकार की कमी है अनएजुकेशन, मतलब एजुकेशन पे जो वो बढ़ावा नहीं दे रही, सरकार की कमी है, योग्यता तो होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी लाएँ किस लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ना? यूनिवर्सिटी लाएँ, स्कूल सिस्टम भी तो सुधारना चाहिए उनको। यानी कि स्कूली शिक्षा है वो अच्छी नहीं है, यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाँ जी आपका क्या विचार है? हमारी तो है कि भैया बात, आप बताइए हाँ। नाम क्या आपका? महिपाल। महिपाल जी किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? कांग्रेस की। और प्रधानमंत्री के रूप में किसे चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो बेशक मोदी आ जा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अपने हरियाणा की बात कर रहे हैं हम यहाँ की। लेकिन अब जो चुनाव है, अब जो, हाँ जी काटेंगे क्या, कैसे कैसे? अब जो चुनाव है लोकसभा के लिए हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, सांसद बनेंगे, हरियाणा की कोई बात नहीं है, तो सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार हम तो भैया कांग्रेस की चाहते हैं। हेलो यहाँ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे, गदपुरी गांव में बड़ा गांव है तक, और एक तरह से पलवल जिले की एंट्री यहाँ इस गांव से होती है, तो यहाँ गांव का काफ़ी वजूद है। हालांकि बता रहे हैं कि करीब 1200 यहाँ वोटर हैं, और इन वोटरों का क्या रुझान है, क्या चाहते हैं, ये हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका क्या विचार है, प्रधानमंत्री देश का कौन बनना चाहिए? मोदी बनेगा, मोदी मोदी मोदी। तो यहाँ गांव के कुछ लोग हैं नाराज़ है कृष्णपाल गुर्जर के, उसमें थोड़ा फर्क है, सब खुशी ना हो हर चीज़ पे, कोई भी खुशी नहीं रहता, हर आदमी से खुश रहता है,
पर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, मोदी जी की खासियतें या मोदी जी ने जो काम करवाए उनके बारे में बताएं कि क्या क्या काम ऐसे काम है औरों को पता चले। देखो, मंदिर बनाया, 370 हटाई, और काफ़ी काम, मतलब जितने भी आजकल, मतलब जहाँ 10-20 घंटा लगते हैं तो 5 घंटा में पहुँच जाते हैं। रोड जितने बनाए हैं काफ़ी। कौन सा चैनल है? पंजाब नेशनल। तो मैं तो इसी बात कह रहा हूँ, मतलब प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा, ये तो सब तरह के आदमी होते हैं। और तो हम सब कृष्णपाल गुजर हैं उनके प्रत्याशी, मुकाबला है, कोई सब बन सकता है, इस बात को हम नहीं कह सकते, परंतु कृष्णपाल की ही वोट ज़्यादा है अभी तक यहाँ इस गांव में। हाँ, दूसरे बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे इनके विचार। आपकी नज़र में कौन सी पार्टी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी अच्छी है, हिंदुओं के लिए अच्छी है, देश के लिए अच्छी है। और पूछो, मोदी जी ने ऐसे क्या काम किए हैं? मोदी जी ने 100 काम कर दिए, सारे अच्छे कर दिए, एक भी खराब ना करा। कुछ याद दिलाएंगे हमें भी और लोगों को? याद दिलाएंगे, अभी दिलवा रहा हूँ, एक सेकंड में चैनल लगा लेता हूँ। नहीं, वैसे बताइए, याद इतने नहीं रहते। आप देश के लिए सेना का मजबूत करना, समझिए जी, राम मंदिर का फैसला निपटाना, शत्रुओं के लिए, चीन के लिए टनल बनानी, एयरपोर्ट बनवाने, एम्स बनवाने, नए IIT बनवाने, नए एम्स बनवाने, नए हाईवे बनवाने, रेलवे का विद्युतकरण करना, टनल से बनाना, प्रधानमंत्री योजना बनवानी, ग्रामीण योजना बनवानी, चूल्हा बनवा देना, बहुत सारी योजना है, मुद्रा योजना है, आयुष्मान योजना है, सैकड़ों योजना है। अच्छा, यहाँ से जो सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके बारे में क्या कहना? 2 बार से लगातार केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, ठीक है, बनेंगे, बनना चाहिए, मोदी का आदमी बनना चाहिए। तो ये गदपुरी गांव के लोगों की राय, इनका विचार। यहाँ इन्होंने बताया कि कुछ लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री, ये तो लगभग सभी का कहना है कि मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर बने। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो सांसद की जो वोट है वो महेंद्र प्रताप को देंगे, यानी कि कांग्रेस को देंगे। तो यहाँ मिलीजुली प्रक्रिया है, और हमने यहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद यह सारी जो रिपोर्ट जो हमने आपके समक्ष रखी है, तो यहाँ ज़्यादातर लोग तो यही चाहते हैं मोदी जी की तीसरी बार सरकार बने। पंजाब केसरी TV के लिए साथी कैमरामैन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।